हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान आबू धाबी में मैकेनिक का काम करने वाले रेवाड़ी जिले के एक व्यक्ति ने दुष्यंत चौटाला को फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी। दुष्यंत के लिए यह धमकी उनके निजी सचिव के फोन पर आई थी। अब राज्य सरकार ने सुरक्षा रिव्यू करने के बाद दुष्यंत चौटाला को जेड श्रेणी की सिक्योरिटी देने का निर्णय किया है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा में दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जेड श्रेणी की सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई गई है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाने वाले सीबीआई के जज जगदीप सिंह को भी सरकार ने जेड सिक्योरिटी दे रखी है। अब उनके साथ बुलेट प्रूफ वाहन काफी पुराना हो चुका है। सुरक्षा रिव्यू बैठक में निर्णय लिया गया है कि जगदीप सिंह के साथ नया बुलेट प्रूफ वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा। रिव्यू कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि यह मामला इंटरनेशनल धमकी से जुड़ा है और दुष्यंत चौटाला अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, ऐसे में उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से अगले 6 महीनों के लिए दुष्यंत को जेड सिक्योरिटी देने के आदेश दिए हैं। इसके बाद फिर से रिव्यू होगा और जरूरी हुआ तो सिक्योरिटी को कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। चंडीगढ़ एसआईबी के एडीजीपी मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा रिव्यू बैठक में सिक्योरिटी के आईजी सौरभ सिंह, सीआईडी के एसपी हामिद अख्तर, चंडीगढ़ स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट डायरेक्टर जेपी जसू और गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी महासिंह भी मौजूद थे। बैठक में हरियाणा पुलिस की ओर से दुष्यंत को जेड सिक्योरिटी की सिफारिश की। जेड श्रेणी की सुरक्षा में 4 से 5 एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। इन सुरक्षाकर्मियों को दुष्यंत के चंडीगढ़ जींद और सिरसा आवास पर भी तैनात किया जाएगा। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।